आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरा दृष्टि रोग के बारे में। क्या होता है कि वृद्धावस्था के कारण आंखों की समंजन अक्षमता घट जाती है। समंजन अक्षमता क्या होती है कि हमारी जो आंखों का लेंस होता है उसका साइज कम और ज्यादा होने की जो अक्षमता होती है वो कम हो जाती है वृद्धावस्था में। तो फिर क्या होता है अगर वो अपना साइज कम ज्यादा नहीं कर पाता, तो जिसके कारण से ना तो हमें दूर की वस्तुएं और ना ही हमें पास या नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तो इस दोष को हम जरा दृष्टि रोग बोलते हैं। मतलब एक ही साथ हमारे को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए क्या करते हैं, इसके इलाज के लिए बाइफोकल लेंस, द्विफोकस लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ठीक से वस्तुओं को देख सके। उसके बाद है वर्ण अंधता। वर्ण अंधता क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस। मतलब जिस लोगों को ये दोष होता है वे लोग हरे रंग को और लाल रंग को पहचान नहीं सकते हैं, मतलब देख ही नहीं सकते, तो पहचाने हैं कैसे, तो उसको देख नहीं सकते हैं। इसलिए इस रंग का कोई उपचार नहीं होता है। उसके बाद है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति ऊर्ध्वाधर तथा अक्षितिज में से एक ही अवस्था दिखाई देगी। कोई दूरी पे कोई वस्तु है वहीं पे, जैसे कि मान लिया कि एक पेड़ है वहां पे खड़ा है और एक पेड़ पड़ा है, तो उनमें से केवल एक ही पेड़ दिखाई देगा, या तो खड़ा या फिर पड़ा। तो इस अवस्था को बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। तो इसके निवारण के लिए क्या होता है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने तीन दोष देखे, जरा दृष्टि रोग, वर्णांधता और एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता। आपने वीडियो यहां तक देखी, धन्यवाद।